सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या है, ये बीए पार्ट टू का बीए पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 7 है। चैप्टर जो 6 है वो कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुआ था, सिर्फ मात्र एक या दो क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वो बाकी है। तो एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन वो जल्द ही हम करा देंगे, उसके बाद उस चैप्टर का हम मॉडल सेट देंगे। अगर चैप्टर 6 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट के वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसे पेपर ये 3 का जो सिलेबस है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है। आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है जिसके कारण इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है, इसलिए चैप्टर 7 हम चालू किए हैं। और इसको भी पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, ये मत सोचिए जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे। और बाकी जो पिछला चैप्टर में चैप्टर 6 में एक या लगभग दो क्वेश्चन होगा लॉन्ग, वो बाकी है, उसको जल्द ही हम करवा देंगे। क्वेश्चन करवाने के बाद उसका हम मॉडल सेट देंगे। और चलिए इस चैप्टर 7 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम लगता है कि चलिए ये शुरू किया जाए। तो चैप्टर 6 क्या था, मुगल काल था। अब ये उत्तर मुगल काल, उत्तर यानी कि मुगल काल के बाद, लेकिन ये मुगल काल के सब राजा रहेंगे, ध्यान समझिएगा। जो मेन मुगल काल माना जाता है, मुख्य रूप से मुगल काल जो मेन माना जाता है वो 1526 से लेके 1707 तक ही माना जाता है। आप कहेंगे 1707 तक काहे माना जाता है, बाकी भी तो ये मुगल काल के आगे राजा होंगे। तो नहीं, देखिए ये मुगल काल 1526 यानी 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद कौन आया, बाबर के बाद आया हुमायूं, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। बस इतने शासक, औरंगजेब तक ही मुगल काल माना जाता है, उसके बाद उत्तर मुगल काल चालू हो जाता है। क्योंकि औरंगजेब तक ही बहुत, मतलब ये सारे जो शासक है, अकबर, ये बाबर की बात करें, हुमायूं, अकबर, ये ताकतवर बहुत ही शासक थे, बहुत ही ताकतवर सब थे। और इनका एक क्षेत्र विस्तार कुछ ज्यादा होता था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब के बाद सब कमजोर राजा होने लगे, राजा हुए, लेकिन धीरे धीरे इनका ना, मतलब विनाश होने लगा। समझिए यहाँ पर मुगल काल की शुरुआत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुगल काल हो गया, यहाँ शुरुआत किसी भी चीज का उत्कर्ष शुरू होता है ना, तो ये बाबर यहाँ पर था, बाबर से इसने मुगल वंश की शुरुआत किया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुगल वंश अपने पीक पर, सबसे ऊंचाई पर पहुंचा, ये सबसे ऊंचाई पर पहुंचा औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय। और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने नीचे आने लगा, यानी पतन इसका होना शुरू हो गया। आपको पता है कि कोई भी वंश हो, इतिहास में कोई भी वंश हो, सब वंश नष्ट होते हैं। एक बार वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप आसमान की ऊंचाइयों में रहें, नीचे वाले लोगों से रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती, आकर नीचे ही अंतिम में नीचे ही आना पड़ता। और एक बात, आसमान जो है वो बादलों को तो जगह देता ही नहीं है, बादलों को कुछ देर टांग कर रखता है, उसके बाद पानी बनाकर फेंक देता है नीचे। तो बताइए, हम लोग तो इंसान है ना, तो हम लोगों को कैसे आसमान जगह दे देगा। वैसे ही कोई भी वंश का, उस वंश का राजा ही उस वंश को ऊंचाई पर लेकर जाता है, और उसी वंश का राजा उस वंश को गड्ढा में ढकेल लेता है। देखिए, इसी वंश का राजा इस वंश को गड्ढा में भी ढकेलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब कोई भी वंश उठाकर देख लीजिए, जिस वंश के राजा ने उसको ऊंचा उठाया है, उसी वंश के राजा ने उसे गड्ढा में ढकेला है। इतना बात हमेशा ध्यान रखिएगा इतिहास में। तो चलिए, तो ये जहां तक मुगल काल कहां तक माना जाता है, औरंगजेब पूरा मुगल काल था, ये 1857 तक मुगल काल माना जाता है। लेकिन ये उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। उत्तर मुगल काल कब से कब तक शुरू हो जाता है, उत्तर, यहां से अब ध्यान समझते रहिएगा, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, उत्तर मुगल काल, मुगल काल यानी हम क्या कह रहे हैं, उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर 1857 तक, यानी 1857 में जो अंतिम राजा था बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम राजा कौन था इस वंश का, मुगल वंश का, 1857 में बहादुर शाह द्वितीय था, उसके बाद ये मुगल वंश का काम खत्म हो गया। तो उत्तर मुगल काल, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब के पहले बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। औरंगजेब को आपको पता है ये खतरनाक राजा था, इसने मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद मंदिरों को तोड़वाना तो ये थोड़ा सा सनकी टाइप का था, मंदिर को तो तोड़वाता ही था, साथ में इसने बहुत सारी चीजें प्रतिबंध लगा दी, जैसे अपने महल में सोना की वस्तु पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इतिहासकार को भगा दिया था। वैसे ही इतिहासकार को एक इसके बारे में जानकारी मिलता है, ये औरंगजेब के बारे में जानकारी मिलता है आलमगीर नामा में, आलम
आलमगीरनामा, आलमगीरनामा में जानकारी मिलता है किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में, लेकिन ये पूरा जानकारी नहीं मिल पाता है। दस साल तक इसने शुरुआती 10 साल तक तो रहने दिया, इजाजत दिया कि इतिहासकार रहे, 10 साल के बाद भगा दिया। अब इतिहासकार को भगा दीजिएगा तो लिखेगा कैसे आपके बारे में, आपके नजदीक रहेगा तभी ना आपके बारे में लिखेगा, आपसे दूर चला जाएगा तो लिखेगा नहीं। इसने आपको पता है इतिहासकारों को भगा दिया, संगीतकारों को, सबको अपने दरबार से सबको ढकल ढकल कर भगा रहा था, सबको उठा को बोल रहा था उठा के फेंको इनको बहुत जल्दी, माहौल में नहीं रहने देना इनको, किसी भी चीज को आलतू फालतू खर्च ये कहता कि नहीं आलतू फालतू खर्च ना होना चाहिए। बहुत ज्यादा इनके पास क्या हुआ था, इनके पास अब धन बचा नहीं था, क्या हुआ था, धन इनके पास अब बचा नहीं था, जिनके कारण इनकी हालत इसकी खराब हो गई थी, खुद सोना के ना वस्तु पहनता ना किसी को पहनने देता था। और इसने अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन बाकी आने वाले आगे राजाओं ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, इसने सोचा लेकिन आगे आने वाले राजा ने ना सोचा, जिसके कारण ये इसका वंश धीरे धीरे क्या हुआ, विनाश के कगार पर पहुंचता गया। औरंगजेब के तीन लड़के, औरंगजेब के कितने लड़के, तीन, औरंगजेब, औरंगजेब के तीन लड़के कौन कौन था, एक मुअज्जम, मुअज्जम था जिसका नाम था बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम इसको कह सकते हैं, बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह कह सकते हैं। उसके बाद मुहम्मद, मुहम्मद आजम, आजम, उसके बाद एक और था जिसका नाम था मुहम्मद, मुहम्मद कामबख्श, कामबख्श, मुहम्मद कामबख्श। तो ये तीन गो इसके लड़के थे औरंगजेब के, औरंगजेब के मृत्यु होने के बाद मार कर दिए तीनों अपने में, तीनों अपने में मार क्या कर दिए, दो गो मेन थे मार करने में, ये दोनों मार करने में मेन थे। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने ये मार करने में पहले आगे थे, संघर्ष करने में, सूबेदार इनको बनाया था। देखिए औरंगजेब ने कई जगहों को इन तीनों को सूबेदार बनाया, जब पता चला पिता की मृत्यु हो गई तो तीनों दौड़ दौड़ कर दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आने के बाद क्या हुआ, ये तो थोड़ा सा दूरिया था, ये थोड़ा दूरिया था, ये सोच रहा था कि इन दोनों अपने मार करके निपट जाएंगे, हम जाके राजा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये दोनों अपने मार कर दिया। जजाऊ जगह का नाम है जो कि आगरा के पास में है। 1707 में दोनों मार कर दिया अपने में, मार मतलब युद्ध, जबरदस्त भीषण युद्ध हुआ, दोनों अपना अपना सेना लिए थे। अब आप कहेंगे कि बताइए इनके पास सेना कहां से आ गया, कि पिता, इसके पिताजी की जो सेना रखे होंगे वो एक एक की तरफ से लड़ेगा, दोनों की तरफ से, अरे दोनों अपना सेना था, देखिए कैसे दोनों अलग अलग जगह सूबेदार था, दोनों ना ये तीनों ना सूबेदार, तीनों के पास सेना तो होगी ना, ऐसा थोड़ी बात होगा शाही सेना होगी, हम मानते हैं सब एक मुगल वंश की सब सेना थी, लेकिन सब अलग अलग कंट्रोल में थी ना, कुछ सेना इसके कंट्रोल में थी जहाँ का सूबेदार होगा, इसकी सेना में कुछ, इसकी कंट्रोल में कुछ सेना, इसकी कंट्रोल में कुछ सेना, तो सभी लोग जब मार करना होगा तो इसके सेना इसके तरफ लड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई होगा जबरदस्त। और यहाँ पर जीता कौन, मुअज्जम, मुअज्जम जीतते ही कहा कि रुको दिल्ली का ये खुद को शासक घोषित कर दिया, खुद को शासक और बहादुर शाह, बहादुर शाह की उपाधि धारण किया, बहादुर शाह की उपाधि धारण, बहादुर शाह प्रथम कह सकते, प्रथम की उपाधि 1707 ईस्वी में ये राजा बन गए। राजा बनने के बाद ये क्या किया, ये ठीक ठाक, देखिए इसको मान सकते हैं ठीक ठाक, थोड़ा चतुर था, ज्यादा चतुर था, थोड़ा सा योग्य भी था, विद्वान भी था, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं था, ज्यादा रहता तो उसके तरह नहीं हो जाता, ज्यादा नहीं था, और तो ये थोड़ा विद्वान इसको मान सकते हैं, विद्वान ज्यादा नहीं था और विद्वान थोड़ा सा मान सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा ये सब गुण था, ज्यादा गुण इसमें था नहीं, ये मेल मिलाप की भावना ज्यादा रखता था, मेल मिलाप, कई जगह से इसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे, कई आसपास वाले क्षेत्र से मैत्री। अब देखिए मित्र बनाएंगे, कमजोर रहेंगे तब ना दूसरा से मित्र बनाएंगे, जब मित्र बन जाओ या ताकतवर रहेंगे तो, अधिकतर जो कमजोर, अधिकतर ये कमजोर था, इसीलिए क्या किया साइड वाले सबसे मित्र बना लिया, कि नहीं तो अगर युद्ध करेंगे तो हम ही हार जाएंगे, इसीलिए सबसे क्या बना लिया, मित्रता कर लिया। और इसके, इसको कहा जाता है साहे बेखबर, साहे, साहे बेखबर, बेखबर, इसको साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, इसको साहे बेखबर के उपनाम इसका साहे बेखबर रखा गया। अब क्यों, इसका अपना साम्राज्य का पता नहीं चलता था कि साम्राज्य हमारा कितना में है, इसको साम्राज्य में कोई रुचि नहीं था कि हमारा साम्राज्य विस्तार कितना है, आराम से खाना पीना चल रहा है ना, कोई आक्रमण नहीं ना कर रहा है ना, तो क्या दिक्कत है, साम्राज्य कतनों में फैला हुआ हो। अब कुछ लोग होता है ना, खेत कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो खेत देखने में नहीं जाता, अच्छा वहां तक हमारा खेत फैला हुआ है, यहाँ तक नजर जा रहा है, अच्छा चांद पर नजर जा रहा है, तो तुम्हारा खेत चांद पर है नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा खेत जहां तक नजर जा रहा है ना वहां तक हमारा खेत है, अच्छा हमारा नजर चांद पर जा रहा है, तो चांद पर तुम्हारा खेत हो गया नहीं।
तो देखिए ये भी ऐसे ही था, इसको गए था मोहल्ले में घूमता रहता था इधर उधर मोहल्ले में, बस इसको और कहीं नहीं, ये अपना नहीं साम्राज्य को क्या है हमारा, कितना साम्राज्य है, सैनिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ हुआ नहीं इससे, कुछ मतलब इसको नहीं था कि सैनिक कहाँ है कहाँ नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, साहे बेखबर। उसके बाद इसके ज्यादा कुछ कार्य नहीं मिलते हैं। इसके भी चार पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, इसके कितने पुत्र थे, चार। अब इसने ज्यादा कुछ किया नहीं, बस इतना ही साहे बेखबर बस इसको कहा जाता है। चार पुत्र थे, ये भी आपस में मार कर दिए, इसकी मृत्यु हो गई 1712 में। 1712 में मृत्यु होने के बाद इसके चार गो पुत्र थे, किसके चार पुत्र थे, बहादुर शाह प्रथम के चार पुत्र, इस चारों ने मार कर दिया अपने में। जब अपने में मार किया, अंतिम में जीता कौन, आप कहेंगे चारों का नाम बताइए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिन महत्वपूर्ण वही होते हैं जो कुछ किए होते हैं। चार तो एक था जहांदार, जहांदार अंतिम में यही जीता, जहांदार जीता अपने मार करने के बाद, जहांदार तो राजा बन गया 1712 में, जहांदार राजा बन गया। ये भी ठीक ठाक मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था, मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्र, सबसे मित्र बनाकर। देखिए इन लोगों को बाहरी लोग कहाँ मार रहे हैं, ये अपने में मार झगड़ा करके फरियाद ले रहे हैं, बताइए बाहरी कौन मारने की हिम्मत करेगा, देख रहा है कि अपने में सब लड़ रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसके भाई को मार रहा है, वो उसके, बताइए मुगल वंश को अभी तक कोई हटाया जी, देखिए तो 1526 से ही चल रहा है, अभी आगे 57 तक चलेगा, कोई हटाया, हाँ थोड़ा बहुत क्षेत्र हार रहे थे ये मान सकते हैं, लेकिन साफा कोई हटा नहीं रहा था इनको, ये जो थोड़ा बहुत क्षेत्र हार रहे थे, ये अपने में मार झगड़ा करके सब फरियाद ले रहे थे। अब बताइए औरंगजेब के लड़के तीन गो हुए, ये अपने में मार झगड़ा करके फरियाद लिए, औरंगजेब के भाई भी था तो सबसे मार झगड़ा करके औरंगजेब ने फरियाद लिया, बताइए। अब इसके जो लड़के हुए मुअज्जम, मुअज्जम यानी कि मुअज्जम किसका उपनाम था, बहादुर शाह का, ध्यान रखिएगा पूछ लिया जाता है, मुअज्जम बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के भी चार गो लड़के अपने में मार करके फरियाद लिए, जहांदार एक था, यहादार ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखा और मैत्रीपूर्ण सबसे संबंध रखता था। और इसने क्या किया, इसने कर प्रणाली पर थोड़ा ध्यान दिया, यानी वित्तीय व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दिया, क्या वित्तीय व्यवस्था थोड़ा हम लोगों का डगमगा गया है, ये नौटंकी चल रहा है कबे से, वित्तीय व्यवस्था थोड़ा डगमगा गया, हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखिए वित्तीय व्यवस्था डगमगा गया, थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसने क्या किया, देखा कि जनता से सीधे सीधे टैक्स आ नहीं रहा, अब हीरो थोड़ा बनना पड़ेगा तभी आएगा, हीरो बनने का मतलब समझ रहा है, इसने क्या किया ठेकेदारी पर दे दिया टैक्स। ठेकेदारी समझते हैं क्या होता है, समझ लीजिए मान लीजिए ठेका दे दिया कि तुम अगर 10 रुपया उस जनता से वसूल कर लेकर आओगे तो 2 रुपया तुम्हारा होगा 8 रुपया हमारा होगा, ये हो गया ठेकेदारी। या हमको साल भर के लिए 10 रुपया दे दो और उसके बाद जनता से तुम वसूल लेना, और जितना तुमको वसूलना है वसूलो, इससे हमको मतलब नहीं है, साल भर के लिए 10 रुपया हमको दे दो, 10 रुपया नहीं बोल रहे हैं हम, मान लीजिए ये मांगता होगा अपने से कि साल भर के लिए, हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, कह देता है साल भर के लिए हमारा 10 रुपया दे दो, बाकी जनता से तुमको जितना टैक्स वसूलना है। अब आप कहेंगे किससे ये बोलता होगा, ठेकेदारों से अनाउंस करवाता होगा, जैसे होता है ना किसी भी चीज को खरीदने के लिए ठेकेदारी होता है ना, मान लीजिए कोई तालाब खरीदना है, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं तो उसको तालाब की भी बोली लगाई जाती है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख तालाब की बोली लगाई जाती है कि कितना लाख का तालाब है, ठेकेदार उसको खरीदते हैं। वैसे ही ये भी बोली लगवाता होगा और क्या करता होगा, दूसरा कोई थोड़े ऑप्शन है, या ठेकेदारों को कैसे भी करके ठेकेदार को दे देता था कि देखिए हमको इतना चाहिए साल में, आप जनता से कितना भी वसूल, तो क्रूरता करते होंगे ना, देखिए जनता से आराम से वसूलते होंगे, जो ठेकेदार इनको 10 रुपया देगा खुद वो कितना वसूलेगा, 15 रुपया, 5 रुपया अपने पास, 10 रुपया किनको, इनको देगा, यही करेगा ना। तो बताइए पूरा पूरी, अब तो जनता पर क्रूरता वाले बात आ गई ना, ये वो तो गरीबी की हालत से जूझ रहे हैं, जनता भी गरीबी की हालत से जूझ रही है, आप मार कर रहे हैं, ये अलग ही नौटंकी चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसने इस कर प्रणाली को इजरा व्यवस्था इसको कहते हैं, इजरा व्यवस्था का भी नाम दिया, इजरा व्यवस्था ध्यान रखिएगा, इस कर प्रणाली को ठेकेदारी वाला कर प्रणाली को इजरा व्यवस्था, ये एकदम मतलब जो बेवकूफी से भरा हुआ था एकदम, कुछ वो कर देता, बताइए कर प्रणाली को इसको टैक्स पर देने की क्या जरूरत था, बताइए कर प्रणाली को, कर वाला वित्तीय व्यवस्था जो था उसको ठेकेदारी पर देने वाला क्या जरूरत है, ठेकेदारी पर देखिए, ठेका पर, ठेकेदारी, ऐसा लग रहा है कि कुछ बेच रहा है ठेकेदारी पर दे रहा है, घर बनवा रहा है ठेकेदारी पर दे रहा है, इसने ठेकेदारी पर दे दिया, बताइए क्रूरता करेंगे कि ना करेंगे, कुछ वो ऐसा ही कर देता था, बहुत सारे ऐसे काम कर दिया जो उल्टा पुल्टा एकदम, मतलब कोई भी ऐसा काम जो जानता है कि एकदम उल्टा पुल्टा, पहले से हालत खराब है और उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख।
यही सब हरकत की वजह से लंपट मूर्ख इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा लंपट मूर्ख। यही हरकत की वजह से 1712 में बना और 1713 में इसको इसी के दरबार वाले सयान तक करके लात मार के नीचे गिरा दिए राजगद्दी से। लात मार के नीचे गिराना समझते हैं, दरबारे वाले कर दिए सयंत्र, अच्छा तुम हीरो बन रहे हो, ठेका पर दे रहा है ये वित्तीय प्रणाली, ये कर्ज वसूलने वाला है ये ठेका पर दे रहा है। इसी के दरबार वाले ने क्या किया, हम आगे अगले भाग में सब बताएंगे कि कौन कौन था। इसके दरबार वाले ने लात मार कर इसको राजगद्दी से क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। 1713 में हटा दिया एक साल के लिए, एक साल में इनके फाइल क्या कर दिया, हटा दिया और खुद राजा बन गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, इससे आगे हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। हम लगता है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।